HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर झूठ और प्रचार की राजनीति करने पर जिंदा होने का आरोप लगाया है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के मंत्री अमित शाह पर केवल प्रचार के बदौलत ही राजनीति में जिंदा रहने की बात कही है। लेकिन अब बिहार के बारे में जरा भी कोई चिंता करता है जी? तो ठीक है, कह रहे कि बिना मतलब का प्रचार प्रसार करता है, जरा बताइए तो यहाँ पर जो भी कम्मा हुआ है वो कोई काम किया है? ये लोग जो 9 साल से है यहाँ, कौन काम किया? ये सब कम्मा जो हम लोग करते रहे हैं, तो कई बार इसी को केंद्र में वो पॉलिसी बना के सोच रहा था कि भाई इसी को हम लागू कर दें ताकि सब समझे कि केंद्र से हुआ है। तो कई चीज तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया ना, हम अपनी तरफ से करेंगे। बताइए ना भाई, हर घर नल का जल, तो उसके लिए लोग क्या करना चाहे? तो इसीलिए जान लीजिए कि हम लोग जो काम करते हैं तो उसके बारे में कोई चर्चा करता है? आप कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार लोग यहां रहते हैं, तो बेचारे तो आ ही जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, लेकिन करें क्या ही? तो इन लोगों का कोई बतवा को भेजेंगे, सब छापेगा जी? नहीं छापेगा। आज तो आप लोगों पर कब्जा कर लिया है केंद्र वाला, कुछ नहीं छापता है, उन्हीं का बात छापता है। तो इसीलिए ये सब बात होती है कि कौन चीज है, कौन काम कर रहा था। अभी लोग अपना नामो लेता है जी, न बापू कोई लोग कुछ नाम लेता है। आज जब लोग अपने पटिया का है तो ये भी क्या लेता है, श्रद्धे अटल जी का भी नाम लेता है, अटल बिहारी वाजपेयी का, बढ़िया काम किए थे, हम लोग साथ में थे, उनका भी नाम नहीं लेता है। किसी का नाम लेता है? नहीं लेता है। मुरली मनोहर जोशी का नाम लेता है? ये जान लीजिए किसी का नाम नहीं लेगा। आज वो 21 साल से 22 साल से राजनीति में आया है, वो लोग अपना दूप और अपना ही नाम खाली लेता, कोई का नाम हमसे पटियों का भी नाम नहीं लेता। आप पहले जो लोग बिहार में भी था, हमारे साथ था, ठीक ठाक था, आजकल मेरे खिलाफ बोलता है। तो इसीलिए खिलाफ बोलता है कि हम बोल रहे हैं खिलाफ, ताकि जो केंद्र में है वो माने कि नहीं ये ठीक है और उसको जगह मिले, किसी को मिल रहा है। ये सब सोच लीजिए कौन टाइप का सरकार चल रहा है, क्या स्थिति है। इसलिए हम लोग तो इस सब पर कोई ध्यान नहीं, हम लोगों का काम है कि हम लोग काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। ये सब लोग कुछ कुछ बोल करके आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। और हम लोग बोलिए कितना शुरू से ही किए, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई जात के लोग हो सब लोग हो, लेकिन तरह तरह का कौन कौन बात करते रहता है, किसके लिए नहीं, हम लोग उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग तो काम करते रहेंगे। तो प्रचार नहीं ना हो पाएगा, लेकिन जनता को तो पते न है जी, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसके चलते सब तो मोबाइल में देखते रहता है, तो उसी के चलते अपना इधर से उधर जो भी हो, लेकिन काम तो हम लोग कितना कर दिए। अब बिहार में जो काम शुरू हुआ है, देश छोड़िए दुनिया में कहीं नहीं था, साइकिल दिया लड़कियों को, कहां था पहले जी, और अब क्या हुआ था? तो कौन कौन काम हम लोग नहीं किए। तो इसीलिए याद रखिएगा, आप लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ाते हैं तो कुछ चीजें जो सरकार के द्वारा की गई है लोगों के हित में, कोई अपने हित में हम लोग नहीं किए, लोगों के हित में काम किया। अब आजकल जो राज में है वो अपने हित में सब बात करते हैं, लोगों के हित में कोई काम नहीं करते हैं। और हम लोग अपने हित में एक शब्द नहीं बोलेंगे, जो करेंगे लोगों के हित में काम करते हैं, और वही कहना चाहते हैं। तो हम तो अपने पत्रकार मित्रों को हाथ जोड़ करके बराबर प्रार्थना करते हैं कि अब तो मोबाइलवा आ गया है जी, तो मान लीजिए आपका बतवा नहीं छापता है तो अपना मोबाइल पर लिख दीजिए, तो सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या बात हुआ है। तो इसलिए हमारा ये अनुरोध है, अगर मानिएगा तो मानिएगा, और नहीं तो क्या है, इसीलिए हम आप सबका मानिएगा कि मेरा कि नहीं जी मानिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों के पक्ष में ही जान लीजिए, एक बार
बार जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत दलों को एक करने के चक्कर में हो जाएगा, तीनों घर चले जाएंगे तो आपका सम्मान और बढ़ेगा और खूब आगे बढ़िएगा, यह करिए। और काम सब तो होवे करेगा, तो काम को न जानना चाहिए जी, ये ऐसे ही आदमी को जानना चाहिए, इसलिए हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।